पापड़ ले लो, पापड़ कुरकुरे बढ़िया बेहतरीन घर के बने हुए पापड़ ले लो भाई, ले लो जल्दी जल्दी चले आओ लेने के लिए, लुट गए पापड़। अरे योगी जी, राहुल अखिलेश सुबह से पता नहीं किसका मुंह देखा है, एक पापड़ नहीं बिका है। अब आवाज तो लगाना ही पड़ती है कि लुट गए अब लुटे क्या, वहीं के वहीं पे रखे पड़े सारे के सारे पापड़। अब तुम तीनों में से भी कोई भी एक पापड़ नहीं खाना चाहता है, यहाँ बैठे बैठे तुम तीनों वक्त काट रहे हो। अखिलेश तुम ही ले लो एक आध पापड़। अरे मोदी जी, गैस बन जाती है, पापड़ खाते ही गैस बनने लगती है, क्योंकि ये तला हुआ पापड़ है तुम्हारा। तली भुनी चीजों से परहेज कर रहा हूँ मैं आजकल। अरे नहीं, अब तक मैं तुम्हारी पूरी की पूरी पापड़ की टोकरी खत्म कर गया होता। भाई से मोदी जी, कितने का एक पापड़ दे रहे हो? अरे राहुल, तुम्हारे लिए सस्ता ही है, वैसे 7 रुपए का एक पापड़ बेच रहा हूँ, तुम्हें 5 रुपए का लगा दूंगा। अरे मोदी जी, जेब में तो 2.5 रुपए पड़े हैं, अगर 2.5 रुपए का दो तो बताओ। अरे राहुल, 2.5 रुपए भी क्यों खर्च करती हो, 2.5 रुपए अपनी ऐसी जेब में रखे रहो। अरे राहुल, तुम भी अजीब बात करती हो, 7 रुपए का पापड़ मोदी जी ने तुम्हें 5 रुपए में बता दिया, और ऊपर से तुम 2.5 रुपए दिखा रहे हो, ये कोई बात हुई? वैसे मोदी जी, 3 रुपए तो मेरे भी पास पड़े हैं, 3 रुपए का एक पापड़ दे दो। अरे योगी जी, तुम भी राहुल की तरह सौदा बाजी करने लगे, 5 रुपए का पापड़ लगेगा, 1 रेट का ही देता हूँ मैं। अरे योगी जी, राहुल अखिलेश, ये कुरकुर की आवाज कहाँ से आ रही है, ये कुरकुर क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आता। अरे मोदी जी, कुरकुर की आवाज आएगी नहीं, तुम अपनी टोकरी की तरफ देखो, टोकरी में से एक पापड़ का एक टुकड़ा टूटा हुआ है। मुझे लगता है अखिलेश और राहुल ये तोड़ के खा गए चुपके से, अब इन दोनों में से किसी ने खाया है तुम्हारे पापड़ का टुकड़ा। पहली बात, तुम टोकरी इनके पास में रखते क्यों, पापड़ की टोकरी को दूसरी तरफ रखो। राहुल अखिलेश, मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं, तुम दोनों में से किसी ने एक टुकड़ा तोड़ के खा लिया मेरे पापड़ का, अब ये पापड़ कौन ले लेगा? अगर तुम्हारे पास पापड़ लेने के पैसे नहीं है तो मुझसे उधार ले लेते, एक तो सुबह से पैसी पौनी नहीं हुई है, ऊपर से तुम चुपके से तोड़ के खा रहे हो पापड़, ये कोई बात हुई? ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई मोदी जी और राहुल, तुम्हारे मोटरसाइकिल के कागज तो पूरे हैं नहीं, और मेरे हाथ में जो तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है ये भी एक्सपायर हो चुका है। अब तुम्हारा हेलमेट भी नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सपायर है, तुम्हारा डबल चालान कटेगा। अभी तुम्हारा इंश्योरेंस देखना बाकी है, बीमा देखना बाकी है, मोटरसाइकिल का बीमा है कि नहीं है, उसके भी कागज दिखाओ मुझे। अरे नहीं योगी सर जी, ये देखिए इंश्योरेंस के कागज, हमारी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस एक्सपायरी होने में 1 महीना बाकी है, इंश्योरेंस तो हमारा कंप्लीट है, बीमा हमारा कंप्लीट है, बीमे का चालान नहीं कटेगा। अरे भाई राहुल, बीमा कंप्लीट है मान लिया तुम्हारा, लेकिन हेलमेट कहाँ है तुम्हारा, हेलमेट बताओ, और ये ड्राइविंग लाइसेंस कब का एक्सपायर हो चुका है मोदी जी का, ऐसे गाड़ी चलाते हो रोड पे? अब इस रोड पे चेकिंग करने के लिए मैं आ गया हूँ, एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए, हेलमेट से लेके इंश्योरेंस तक और प्रदूषण तक सब कुछ पूरा होना चाहिए पूरी गाड़ी का, मोटरसाइकिल का। अरे योगी सर जी इधर आओ, पास में आओ जरा, मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो, क्या बात है, बताओ क्या बात है, मुझे बताओ, जोर से बताओ। अरे जोर से बताने की बात नहीं है, करीब तो आओ सर जी। लो भाई करीब आ गया, बताओ आप, बताओ क्या बात है। चालान मत काटो मेरा, बस देख लो कुछ ऊपर नीचे करके। अरे भाई मोदी जी, चालान ना काटू क्या मतलब है तुम्हारा, कुछ तो खुल के बताओ। कुछ ले दे के काम नहीं हो सकता है, ये देखो मैं कुछ दे देता हूँ। अरे मोदी जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी घटिया बात करने की, तुम्हें मालूम है जिस एरिया में भी मैं जाता हूँ उस एरिया के सारे लोग यही कहते हैं कि किसी से भी पाला पड़े लेकिन योगी इंस्पेक्टर जी से पाला ना पड़े, रिश्वत के नाम से मुझे सख्त नफरत है, और तुमने इतनी घटिया बात करने की कोशिश की मोदी जी, मैं तुम्हारे ऊपर डबल चालान लगाऊंगा। अरे योगी जी, आप तो गलत समझ गए, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाहता हूँ चालान का पैसा मैं यहीं पे भर सकता हूँ, मैं इधर उधर ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना चाहता हूँ, यहीं पे पैसा ले लो मेरे जितने भी चालान का बनता है, रिश्वत की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अरे मैं तुमसे रिश्वत की बात करूंगा, कैसी बात करती हूँ? अरे मोदी जी, ये योगी सर जी से करना भी मत रिश्वत की बात, समझे, ये रिश्वत के सख्त खिलाफ है, ये बहुत सख्त इंस्पेक्टर साहब है, साफ सुथरे तरीके से काम करते हैं, और ऐसी काम करना चाहिए सब लोगों को। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब।